हेलो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन पे बिना एटीएम कार्ड के कैसे चलाएंगे, बिना एटीएम कार्ड के बैंक अकाउंट लिंक कैसे करेंगे और कैसे इसमें आपको अकाउंट बनाना है। सारा कुछ यहाँ पे आपको अकाउंट लिंक करना है, सारा आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, सारा डिटेल आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उससे डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है तभी आपको ये फीचर काम करेगा। आपको अगर आप पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो उसको इंस्टॉल कर देना यानी आपको डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ। मैं फ़ोनपे को पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस तो होगा। आपको यहाँ पे लॉगिन, फर्स्ट में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा तो आपको जो आपका बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर से यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पहले से लॉगिन करके रखा हूँ तो सिंपली आपको लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल, जिससे आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा होगा, प्रोफाइल पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट मैंने पहले से एक लिंक करके रखा है उसके बाद यहाँ से आपको लिंक कर लेना है। फिर जब आप फर्स्ट बार करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बैंक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक यहाँ है तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कर सकते हैं जो भी आपका बैंक है। तो मेरा इक्को बैंक है तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक आ चुका है इक्को बैंक। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बैंक लिंक हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैंक लिंक हो चुका है तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अकाउंट ऐड सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख रहा है। आप फर्स्ट बार यहाँ पे यानी लॉगिन कर रहे हैं, आप बैंक अकाउंट को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट यहाँ या आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिखेगा, मेरा यहाँ पे मैंने पहले से सेट करके रखा है तो रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा एटीएम कार्ड का। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम कार्ड का 4 डिजिट, सॉरी यहाँ पे 6 डिजिट लास्ट का डालना है, उसके बाद वैलिडिटी आपको डालना है, उसके बाद प्रोसेस कर देना है। तो चलिए मैं एटीएम कार्ड को नहीं डालना चाहता हूँ, यानी आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो आप कैसे चलाएंगे। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ आई हैव डॉन्ट ए डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बैक जाना है, उसके बाद फिर से यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से देखे डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा बैंक लिंक हो चुका है तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ से आपको बैक चले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे बैंक लिंक हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इस अकाउंट में यानी फ़ोनपे के द्वारा आप इस अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं और इससे आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। इसमें आप कहीं से पैसा मंगा सकते हैं लेकिन इससे आप किसी को पैसा भेज नहीं सकते हैं। आई होप गाइज पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे न्यू कमाल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।